हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। आज फिर मैं नया ब्लॉग के साथ आप लोग के साथ मैं उपस्थित हो चुका हूँ, क्योंकि आज मैंने सोचा था वीडियो नहीं करूँगा और यही सब सोच के मैं बैठ रहा था, लेकिन मेरा मन नहीं चाहा कि आप लोगों को भी ये व्यू दिखाना ही चाहेगा कि देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना सुंदर व्यू था ना गाइस। अभी मैं थोड़ा गेस्ट को लेके घुमाने के लिए आया हूँ, और आप सभी को ये वीडियो ना दिखाने से मेरे को थोड़ा मन में थोड़ा हलचल ही होते रहता है, इसीलिए मैंने ये ब्लॉग आप लोगों को देखना ही पड़ेगा, ये ब्लॉग मेरे बनाना ही पड़ेगा बोल के मैंने ये ब्लॉग चालू कर दिया है गाइस। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, मैंने थोड़ा सिनेमेटिक शॉट भी लिया है, क्योंकि इधर का इतना सुंदर नज़ारा था ना, इसीलिए 5-5 मिनट में इधर का जो नज़ारा है वो चेंज होते रहता है गाइस। इसीलिए आप सभी को ये सब नज़ारा दिखाने के लिए ही मैं ये ब्लॉग कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, मिलते हैं नज़ारा के साथ में, तब मेरा थोड़ा रूम का टूर भी ले लीजिए। ये मेरा रूम है, मेरे को दिया है ये, मैंने एक ड्राइवर रूम है और इधर मैं अकेला हूँ, थोड़ा मैं इधर अकेला अकेला बोरिंग भी हो रहा था, इसीलिए आप सभी को भी मैं नज़ारा भी दिखाऊँ, मेरा भी थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाए बोल के मैंने ब्लॉग किया है गाइस। ठीक है, देखते रहिए मेरा ब्लॉग। और ये देखिए मेरा सामान इधर है, इधर मैं सोया था, और ये देखिए ये गाना सुन के, इधर थोड़ा बॉक्स है, पानी है, और उधर चार्ज भी दिया है दूसरा वाला मोबाइल। ये देखिए गाइस, इधर से थोड़ा थोड़ा तो दिखाई दे रहा है आप सभी को, इधर जितना भी दिखाई देगा ना गाइस, इधर जो जितना भी है सब होम स्टे है, बहुत सारा है इधर। इसका नाम बोलता है रामधुरा, और इधर थोड़ा गांव भी है, सरिस्या गांव, रामधुरा, और बहुत सारा गांव है इधर। आप सब भी आके इधर टूर कर सकता है, विजिटिंग कर सकता है। ये देखिए गाइस, इधर से कंचनजंगा दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा कोसा होने के बाद में नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए 5-5 मिनट का बाद में ऐसा नज़ारा होता रहता है। ये है इधर का नेचुरल सब्जी, हम लोग बोलते हैं इसकुस नेपाली में, हिंदी में बोलता है, हिंदी और बंगला में बोलते हैं क्वास। ये देखिए इधर छोटा सा हुआ है, ये हो जाएगा बाद में बड़ा। देखिए इधर ये 2 तला है, और हम इधर इसका नीचे बैठा हूँ, और इधर भी बहुत सारा है होम स्टे। आप सभी को ये दिखाऊं बोल के मैं तो 2-3 दिन के लिए टूर में निकला हूँ गाइस, इसलिए आप सभी को भी ये टूर देख का थोड़ा मज़ा दिलाऊं, और मैं कहाँ पे घूमता हूँ और क्या करता हूँ है ना, वही सब दिखाने के लिए आप सभी का साथ में ये नज़ारा दिखाने के लिए मैंने सोच लिया, क्योंकि इतना ब्लॉग करता हूँ है ना, जो अच्छा भी होता है कभी बुरा भी होता है, तब इतना अच्छा जगह मैं आया हूँ, ब्लॉग ना करूँ आप लोगों को ना दिखाऊँ ये सब, तो मेरे को भी थोड़ा मन में लगेगा, तो ब्लॉग करने से क्या फ़ायदा, फिर इतना अच्छा सुंदर नज़ारा आप लोगों को नहीं देखा पाऊँ, तो अब मेरे को भी थोड़ा मन में ये सब लगा, तो इसलिए ब्लॉग करना चालू कर दिया है। देखिए आप लोगों को अब ये जितना भी दिखा दे रहा है, इधर से थोड़ा दिखा दे रहा है, लेकिन ये सब सिनेमेटिक शॉट में आप सभी को दिखा दूंगा गाइस। ठीक है, अभी ऊपर जाके मिलते हैं, मेरा गाड़ी भी रखा हुआ है, मैं भी रेडी हो चुका हूँ। मैं मोटामोटी कल निकला था, सुबह 4 बजे निकला था गाइस, उसका बाद में सिलगुड़ी चला गया, सिलगुड़ी जाके NGP में बैठा 2 घंटा जैसा, और सर लोग आया था, सर लोग आगे एक होटल में बैठा था, और होटल में बैठ के उधर से फ्रेश होके उधर से निकला है मोटामोटी 10-11 बजे, तब मैं उधर से 10-11 बजे चालू कर दिया गाड़ी लेके, उसके बाद में इधर हम लोग पहुँच गया था मोटामोटी 2:30 बजे पहुँच गया था गाइस, इसीलिए इधर आके लंच किया, उसके बाद में थोड़ा घूमने के लिए भी गया सिरिस्या गाँव, उसके बाद में घूम के आया, और उसके बाद चाय पिया, और उसके बाद में मैं तो थोड़ा रेस्ट लिया, और सर लोग भी पूरा बात कर रहा था गाइस। ठीक है, आप सभी को ये सब दिखाते दिखाते, और आज जाऊँगा फिर दार्जिलिंग का तकदा, उधर से क्या नज़ारा है क्या नहीं है सब एक ही ब्लॉग में मैं जोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो ड्राइव करने वाला हूँ गाइस, इसीलिए सब 2-3 पार्ट करके तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि लंबा ब्लॉग नहीं कर सकता हूँ मैं, थोड़ा जहाँ पे मेरा हाथ खाली रहेगा वहीं से मैं ब्लॉग जोड़ते जोड़ते वहीं से आप लोगों को दिखाते दिखाते चला जाऊँगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं इधर से, मोटामोटी मैं निकलूँगा अभी मोटामोटी कितना बज गया है, अभी बज गया है गाइस, ये देखिए मेरा घड़ी में अभी बज गया है 9:30 होने वाला है, उसका बाद में हम लोग 10-11 बजे निकलेंगे शायद इधर से, उसका बाद में ये नज़ारा क्या होता है क्या नहीं होता है, इधर से थोड़ा कुआसा हट गया तो कंचनजंगा दिखाई देता है, तो आप सभी को मैं वो कंचनजंगा जितना दिखाई देता है वो भी दिखा दूंगा। ठीक है गाइस, और उसका बाद में हम भी निकल जाएंगे, उसका बाद में तकदा इधर से
और भी एक जो गांव है वो भी जाएगा बोल रहा है, उधर जाके उधर का भी विजिटिंग करेंगे। उसका बाद में हम लोग निकल जाएंगे तकदा के लिए, कालीमुंग होके जाएंगे। लेकिन कालीमुंग में भी ब्लॉग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा वो मेरे को मालूम नहीं है। ठीक है गाइस, मिलते हैं। दूसरा सेलेरी गांव जाएंगे हम लोग, सेलेरी गांव में थोड़ा नज़ारा ले लेंगे, आप सभी को भी दिखा देंगे। ठीक है गाइस, मिलता है दूसरा जगह में या तो दूसरा टूर में। बाय बाय, मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय गाइस। मेरा ब्लॉग कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कैमरा का आगे आने में ना थोड़ा मेरा जितना भी दोस्त लोग हैं वो लोग भी तकलीफ होता है, आता नहीं है। मैं अकेला जितना बार भी दिखाई देता है आप लोग सब अकेला ही दिखाई देता है ना गाइस। मैं अकेला ही ज़्यादा विजिटिंग अकेला ही ज़्यादा टूर करते रहता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही वैसा है टूर करने वाला काम। इसलिए और भी मैं आप लोगों को सब जितना भी है मेरा टूर का जितना भी टूर है मेरा, तो सब तो आप लोगों को देखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरा इतना टूर है होता है और आप सभी को वो टूर जितना भी होता है मेरा सब टूर दिखाऊंगा ना, तो मेरा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लॉग करूँ या टाइपिंग माने ड्राइव करूँ या एडिटिंग करूँ वो सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहता है गाइस। जितना मेरे से हो सके उतना ही आप सभी को दिखा रहा हूँ। ठीक है गाइस, और मेरा तो हिंदी भी इतना अच्छा नहीं है, जितना हो सके उतना हिंदी से आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, क्योंकि नेपाली में जो मेरा लैंग्वेज है जो नेपाली है, नेपाली में बोलूँगा तब आधा मेरा जो सब्सक्राइबर है उसको मेरा ब्लॉग समझ में आएगा, जो आधा ब्लॉगर है माने आधा सब्सक्राइबर है उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरा जितना भी गेस्ट लोग आता है घूमने के लिए वो सबको लिए हिंदी में मेरे को ब्लॉग करना ही पड़ता है गाइस। ठीक है, मिलते हैं जरा दूसरा जगह में जाएंगे तब मिलते हैं गाइस। ठीक है, इधर से नज़ारा अभी 5-5 मिनट में चेंज होता रहता है, देखिए आगे थोड़ा आगे कैसा था अभी तो कैसा हो गया है। ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं। देखिए गाइस इधर का व्यू नज़ारा, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है पहाड़ का व्यू। अभी थोड़ा कुहासा हट गया है इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम थोड़ा अच्छा हुआ है इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए आप लोग भी, इधर होम स्टे है और ये नीचे भी बहुत सारा है होम स्टे। ये देखिए गाइस इधर से भी नज़ारा बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखिए गांव, इधर जितना भी दिखाई दे रहा है घर सब होम स्टे है, और इस तरफ का जितना भी सब सिक्किम नज़ारा। देखिए गाइस आप लोग भी मज़ा लीजिए। देखिए गाइस हम लोग सेलेरी गांव जा रहा था, लेकिन इधर से रास्ता बन रहा है ना इसीलिए हम लोग हेटते हैं, पैदल पैदल जा रहा है, यहाँ रास्ता बन रहा है इसीलिए हम लोग ने गाड़ी लेके नहीं गया, सब तो गीला ही है। ये देखिए गाइस अभी गाड़ी इधर रख दिया है, हम लोग पहुंच गया सेलेरी गांव। सेलेरी गांव का विलेज है और इधर बहुत होम स्टे है। ये देखिए कितना अच्छा अच्छा विलेज है, माने होम स्टे है, बहुत सारा होम स्टे इधर। और जो हम लोग का सर है वो लोगों ने भी इधर लिस्ट में लिया है और वही होम स्टे देखने के लिए आया है। इधर मोटा मोटी 100 से ऊपर होम स्टे है, छोटा बड़ा करके सब करके। आप लोग भी इधर विजिट कर सकते हैं, आ सकते हैं। देखिए मौसम तो बहुत सुहाना होता है और आज थोड़ा बारिश हो गया इसलिए बारिश में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी आप लोग कभी भी आएंगे तो इधर बहुत अच्छा ही होगा, ठंडा रहेगा मौसम। ठीक है गाइस, ये भी आप लोगों को दिखाने का मन कर रहा था इसीलिए दिखा दिया। ये देखिए रास्ता है और इधर भी जाएगा, कहाँ जाएगा मालूम नहीं। ठीक है गाइस, मैं तो छात्री लेके आराम से इधर बात कर रहा हूँ आप सभी के साथ में। ठीक है, बाय बाय। आप सभी को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ गाइस, ये देखिए इधर है एप्पल का गाछ, एप्पल का ट्री, ये है एप्पल का ट्री, ये एप्पल ट्री है गाइस। आप लोग ने तो बहुत देखा होगा, मैंने पहली बार देख रहा हूँ इधर आके। ये है एप्पल ट्री, ये सेलेरी गाँव में है। यह है सेलेरी गांव का अंदर का रास्ता, जो ग्राउंड का रास्ता है, सब होम स्टे है। इधर भी जितना भी है सब होम स्टे, छोटा छोटा जितना भी दिखाई दे रहा है गाइस सब होम स्टे है। फूल का गाछ, और ये भी देखिए
सब होम स्टे, इतना होम स्टे देखेंगे, जितना भी आप लोग घूमेंगे जितना जगह में सब होम स्टे ही होम स्टे, तो पूरा भर्ती होम स्टे है। देखिए मैं भी घूम रहा हूँ गली गली में, होम स्टे का गली गली में, देखिए सब होम स्टे का गली। देखिए गाइस 5 मिनट आगे मैंने दिखाया था कैसा था, अभी 5 मिनट पीछे देखिए पूरा कुहासा भर्ती हो गया इधर, देखिए आप सब कुहासा ही कुहासा। देखिए इधर का गांव का घर, असली गांव का विलेज का तस्वीर और एक सिनेमेटिक शॉट आप सभी का। आप सभी को ये सब देखने के लिए ही मैं सुबह से अभी तक इतना कोशिश कर रहा था, अभी देख लें रंग त्रिवर का जल खो देखेगा, सौ सौ पूरा मैं खरीदा। इधर देखिए टूरिस्ट बहुत भीड़ होता है इधर, ये तो पहले नहीं था, अभी नया खुला है जैसा लग रहा है मेरे को, देखने में सब नया ही है, आप लोग भी देख सकते हैं टूरिस्ट बहुत भीड़ होता है अभी तो, टूरिस्ट बहुत अभी तो सीजन लगने वाला है इसीलिए मेरा केस भी शौक चला गया देखने के लिए। ये कालिम्पोंग बोल रहा है गाइस, मालूम नहीं ये जगह का नाम क्या है, मैं पूछ के आप सभी को बता रहा हूँ, वो जो देख रहा है वो सब कालिम्पोंग है बोल रहा है। इधर से भी दिखा दे रहा हूँ ये जगह का नाम, वो भी पूछ के आया मैं, ये जगह का नाम है तीन चूल्हे गुम्बा डाड़ा व्यू पॉइंट बोल रहा है, पहले था लेकिन उधर इतना अच्छा रोड नहीं था इसीलिए इतना चलती नहीं था, अभी बहुत चलने लगा है इधर, टूरिस्ट केस भी बहुत बहुत सारा आता है। देखिए नज़ारा इस तरफ का थोड़ा नज़ारा बहुत अच्छा दिखाई देता है कालिम्पोंग साइड का, और इधर सिक्किम साइड का भी दिखाई देता है, उधर से आप लोगों को दिखाई, और इधर शायद दार्जिलिंग होगा, पूरा मेघ से ढका हुआ वाला है। देखिए देखिए गाइस इधर भी थोड़ा नज़ारा, ये बोल रहा है टिस्टा वैली, ये देखिए टिस्टा वैली, और ये रंगेली क्या क्या बोल रहा है मालूम नहीं, और इसका पीछे में जो है जो ये सब दिखाई दे रहा है ये सब है और सीटोंग बोल रहा है, सीटोंग वन सीटोंग टू, और उसका बाद में ये सब ऊपर में जो है वो है चिमली, इधर चिमली है गाइस, उसका उस तरफ है दार्जिलिंग का रोड, देख लीजिए नज़ारा। हेलो गाइस अभी मैं रूम पहुंच चुका हूँ,
और रोम पहुँच के आप सभी को यही रूम टूर देने के लिए मैं किया था। ये देखिए रूम का, ये मेरा बेड है, वो दूसरा ड्राइवर है उधर, मेरा इधर कपड़ा है, बैग है। ठीक है गाइस, अभी मैं पहुँच चुका हूँ सिटा तापदा, ये है जगह का नाम तापदा। और जितना भी मैंने आज हो सके, जितना भी अच्छा नज़ारा जितना भी था सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है गाइस, और कल मालूम नहीं कहाँ पे जाएगा, और उसका बाद में कहीं पे हम लोग चला गया तब वो भी हम आप सभी को दिखा देंगे। ठीक है गाइस, अच्छा नज़ारा अच्छा व्यू हम कहीं पे आ जाएगा तो वो भी हम सभी दिखाई देंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे दूसरा ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही। मैं भी बहुत थका हूँ, गाड़ी बहुत चलाया और सबको अच्छे से घुमाया, और आप लोगों को भी मैंने आप लोगों के लिए भी मैंने ब्लॉग किया है। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं दूसरा ब्लॉग में, बाय बाय।